हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए आए हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर। प्रीवियस ईयर के पेपर इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ रिपीटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हम इसमें आपको जीएस जीके और आपको स्टैटिक जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरे 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, वो आज आपको सॉल्व कराएंगे। साथ में आपको बताएंगे कि ये कौन सा पेपर है, कब हुआ था, और साथ में एक चीज़ और आपको बताना है कि अगर आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको तुरंत हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को हिट करना है। साथ में करना एक काम है कि नीचे आप डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है जिसमें आपको फ्री आपका ढेर सारी पीडीएफ फाइल और ढेर सारे वीडियोज मिल जाएंगे, जो कि आपको जैसे स्टैटिक जीके आपको देखना हो तो उसका पूरा वीडियोज मिलते जाएंगे और भी ढेर सारे सब्जेक्टिव वीडियोज भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा पेपर है हमारा। तो आपको जैसा बताया कि मैंने 25 क्वेश्चन है जीके जीएस के, तो आपको बताते कौन सा पेपर है। तो 13/8/2021 को पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, जो कि 3 बजे से लेकर 4 बजे तक हुआ था। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ का गठन हुआ था? 1928 में, 1942 में, 1919 में, 1932 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1932, पूना पैक्ट के बाद, जिसमें एसटी एससी को अलग से आरक्षण दे दिया गया था, उसी के बाद गांधी जी ने क्या किया था, हरिजन सेवक संघ बना लिया था और हरिजनों की सेवा के लिए ही पूरी जिंदगी भर लगे रहे थे। क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र रक्षण आयन यानी कि फील्डिंग पोजीशन बल्ले के पीछे होता है? मिड विकेट होता है, पहली स्लिप होती है, कवर होता है या मिड ऑफ होता है। तो पहली स्लिप जो लगती है यानी स्लिप की, यानी कि विकेट कीपर के बाजू में देखिए एक प्लेयर लगा रहता है उसको पहली स्लिप बोलते हैं, वही होता है बल्ले के पीछे का प्लेयर। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष में स्थापित किया गया था? 1962 में, 1965 में, 1957 में या 1982 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1957 में इसको स्थापित किया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है, एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है, यानी कि सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और ये एक्चुअल में मिलता कहाँ पे है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि फिलीपींस की सरकार ने उनके तीसरे जो राष्ट्रपति हुए थे उनका नाम था क्या, रेमन मैग्सेसे, उनके थर्ड राष्ट्रपति यानी थर्ड प्रेसिडेंट, उन्हीं के नाम से यह पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित बौद्धों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? सारनाथ, कार्ले, सांची या अमरावती। तो बहुत सरल ऐसे इसका आंसर सारनाथ है, जहाँ पे बौद्ध ने क्या किया था, अपना प्रथम उपदेश दिया था और साथ में क्या किया था, यहीं पर हुआ था धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था, जो कि एक तरह से नए धर्म की शुरुआत मानी जाती है। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरि मंदिर साहिब कहाँ पे स्थित है? अमृतसर में, मनाली में, जालंधर में या पटना में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अमृतसर। हरिमंदिर साहिब कहाँ पे, अमृतसर में स्थित है। एक गर्भनाल में कितनी कलाएँ यानी कि आर्टरीज कितनी होती हैं? 3 होती हैं, 4 होती हैं, 1 होती हैं या 2 होती हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा 2 होती हैं। एक गर्भनाल में कितनी आर्टरीज होती हैं, 2 आर्टरीज पाई जाती हैं। राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, गिर, मानस, नामदफा या हेमिस, कौन सा है? तो आपको बता दें कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, और लद्दाख के समय क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया है। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2021 में 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी गुलमर्ग जीती थी? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI आपका, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF जिसको बोलते हैं। तो किसने जीता था, तो ITBP ने जीता था, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने ये अवार्ड जीता था। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है? अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143। तो सही उत्तर क्या होगा, 123 से राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है जब दोनों सदन या कोई एक सदन की बैठक ना चल रही हो और कोई जरूरी मुद्दा उठ गया, कोई जरूरी कानून बना, तो उस पर अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। आलुट टू राज्य एक लोक नृत्य रूप है कहाँ का, केरल का, हरियाणा का, गोवा का या नागालैंड का। तो कहाँ का है, ये नागालैंड का है, आलुएट टू एक लोक नृत्य है नागालैंड का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यवसायिक शिक्षा इंटर्नशिप के साथ शुरू होगी, कक्षा 7वीं 8वीं, कक्षा 5वीं या 6ठी कक्षा। तो कौन सी कक्षा के लिए इंटर्नशिप साथ शुरू किया जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6ठी कक्षा से इसकी शुरुआत की जाएगी।
भारत के संविधान के अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है 345 में, 326 में, 361 में या 330 में? तो सही उत्तर क्या होगा? 330, आर्टिकल 330 में अनुसूचित जनजातियों लोकसभा में सीटों का आरक्षण किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? अय्यरवाड़ी नदी, चिंदविन नदी, वांगछू नदी या सित्तौंग नदी? तो इसका सही उत्तर क्या? वांगछू नदी है जो कि भूटान से होकर बहती है। असेंबली में किस स्टेट ने नवंबर 2020 में सरना कोड पर प्रस्ताव पारित किया था? झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने, मध्य प्रदेश ने या बिहार ने? तो छत्तीसगढ़ ने इस पर बिल पास किया था। कब? 2020 में। ICTP रामानुजन पुरस्कार में प्रतिवर्ष उत्कृष्टता से सम्मानित किया जाता है किस चीज़ के लिए? कौन से क्षेत्र के लिए? रसायन विज्ञान के लिए, भौतिकी के लिए, गणित के लिए या जीव विज्ञान के लिए? तो हमें पता है रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? गणित से संबंधित थे, तो गणित के लिए प्रतिवर्ष इनको पुरस्कार प्रदान किया जाता है अलग अलग लोगों को। एक तरंग के लिए समय अवधि से विभाजित तरंग दैर्ध्य किसके बराबर है? चरण अंतर, आवृत्ति, तरंग वेग या आयाम? तो सही उत्तर क्या होगा? तरंग वेग होगा। ठीक है, तरंग दैर्ध्य के बराबर है तो तरंग वेग होगा। ठीक है, सेल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक स्टील प्लांट स्थित है? ठीक है, सेल क्या है? ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहा जाता है उसके अंतर्गत। ठीक है, स्टील प्लांट कहाँ पे? भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़ या कोरबा? तो सही उत्तर क्या होगा? भिलाई का जो स्टील प्लांट है वो सेल के अंतर्गत निहित है। चंद्रनगर या चंदननगर एक कॉलोनी थी जिसे ब्रिटिश नौसेना ने 23 मार्च 1757 में कब्जा कर लिया था। तो किसकी कॉलोनी थी? डेनिशों की थी, डच की थी, फ्रेंच की थी या पुर्तगालियों की? तो ये फ्रेंच कॉलोनी थी चंदननगर। ठीक है, और इस पर कब्जा किसने कर लिया था? ब्रिटिश नौसेना ने। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकता द्वारा पूरी की जाती है? हरकत के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, श्वसन के द्वारा या ग्लाइकोजेनेशन के द्वारा? किसके द्वारा की जाती है? तो आप सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही स्वपोषी जीव अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, और इसी से इनकी ऊर्जा और कार्बन की आवश्यकता पूरी की जाती है। 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने कैनबिस और कैनबिस रेजिन को सबसे खतरनाक पदार्थों की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव पारित किया है। निम्न में से कौन सा देश मतदान में अनुपस्थित रहा था? रूस, भारत, अमेरिका या यूक्रेन? तो सही उत्तर क्या होगा? यूक्रेन इससे मतदान से अनुपस्थित रहा था। 12वीं शताब्दी ईस्वी में किस सम्राट ने ओडिशा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? खारवेला ने, नरसिंह देव प्रथम ने, विजय सेना ने या धर्मपाल ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था 12वीं शताब्दी में, और यही सूर्य मंदिर आज भी है आप देख सकते हैं, जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है। निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था? बिमल जालान ने, अमीर कुमार बागची ने, विजय केलकर ने या राजकृष्ण ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राजकृष्ण। हिंदू वृद्धि दर किससे? आपके GDP से संबंधित है, इसी को रिलेट करके इन्होंने हिंदू वृद्धि दर दिलाई थी। राजकृष्ण एक अर्थशास्त्री थे। निम्नलिखित में से कौन सा एंडोजेनिक बलों का परिणाम नहीं है? भूस्खलन, समुद्र की लहरें, ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप? तो सही क्या होगा? समुद्र की लहरें एंडोजेनिक बलों से इफेक्टिव नहीं होती। इनका कहाँ से काम करता है? ये चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वीय आकर्षण है यानी कि गुरुत्व बल है उससे इनका संचालन होता है। विस्कोस फाइबर से प्राप्त होता है क्या? फाइबर होता है कोयला मिलता है, सेलुलोज मिलता है, तेल मिलता है या पेट्रोकेमिकल्स मिलते हैं? तो इससे सेलुलोज प्राप्त होता है। लसिका लिम्फ सफेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक पर आक्रमण करता है, वायरस पर, बैक्टीरिया पर, कवक पर या प्रोटोजोआ पर? तो ये क्या करता है? लसिका बैक्टीरिया को खत्म करता है जो कि आपके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो आज के हमारे प्रश्न यही समाप्त होते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके इस 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, और साथ ही आपको पूरा आंसर भी आपको मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी। बस आपको करना एक काम है कि तुरंत हमारा GK World YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकॉन को हिट करिए। साथ में आपको टेलीग्राम चैनल लिंक को क्लिक करके हमारा चैनल ज्वाइन करना, जहां आपको ढेर सारे PDF और वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।